एक इसको करना कैसे है, रेसिप्रोकल बेसिकली कैसे करना है। एक अब देखो रेसिप्रोकल जो हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो रेसिप्रोकल सिंपल रेसिप्रोकल है, बट इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ ऑफ एन इंटरवल। एक इंटरवल है जिसका रेसिप्रोकल हमें करना है, ठीक। हम एक पर्टिकुलर इंटरवल का रेसिप्रोकल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब इंटरवल का रेसिप्रोकल किस तरीके से करना, वही चीज हमें देखनी है, ठीक। जैसे ये -1 to 3 आ गया, तो इसके लिए मैंने तुम्हें पता क्या बोला था कि इंटरवल का कभी भी रेसिप्रोकल करना है तो इसको हम टोटल 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, इसको टोटल 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 0, 1, -1, ठीक। ये इधर इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी, ठीक। तो बेसिकली दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दैट इज 1 to इन्फिनिटी, दिस इज योर सेकेंड पार्ट 0 to 1, दिस इज योर थर्ड पार्ट -1 to 0, एंड दिस इज योर फोर्थ पार्ट -इन्फिनिटी। इस तरीके से 4 पार्ट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, कि कोई भी नंबर जो जिसकी वैल्यू 1 से बढ़ती जा रही है, मतलब वेरिएबल है ऑब्वियसली, अगर उसकी वैल्यू 1 से बढ़ती जा रही है, उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 से लेके 0 की तरफ जाएगा और 0 पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरा एक्स बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी है, तो 1/x का किसको बिलोंग करेगा, ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यहां से इस तरफ जाएगा, यानी कि इस पार्ट में बिलोंग करेगा, यानी कि ये आ जाएगा 0 to 1, ठीक। ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एंड इन केस बेसिकली क्या चीज है, इसका रेसिप्रोकल ये है और इसका रेसिप्रोकल ये है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक। और कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स बिलोंग्स टू मेरा 0 to 1 है, तो 1/x बिलोंग्स टू क्या होगा, 1 to इन्फिनिटी। ये दोनों की दोनों कंसेप्ट, पहले मैं सिर्फ पॉजिटिव पार्ट का बता रहा हूँ क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव का सिमिलरली जाएगा, ठीक। तो इसलिए पहले मैं सिर्फ पॉजिटिव पार्ट की बात, ठीक। अब ये चीज अगर ये दोनों कंसेप्ट हमें अच्छे से, इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो, पहले किसी को ना समझ में आया, ठीक। इसका मैंने लास्ट टाइम स्टेप बाय स्टेप भी समझाया था, ठीक। मैंने डेसिमल वैल्यूज ले लेके बताया था क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक्स की वैल्यू मान लो 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 जा रही है, तो उनका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये जाएगा 1.1.01.001.001 एंड सो। तो ऑब्वियसली अगर एक एक्स की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, 1/x जो होगा वो 1 से कम होके 0 की तरफ जाएगा, ठीक। ये चीज मैंने समझाने की कोशिश की, ठीक। तो अब ध्यान से देखो ये चीज, मैं दोबारा एक इंटरवल लेता, 0, 1 एंड इन्फिनिटी। अब अज्यूम करो मैं सिर्फ यहाँ पे इंटरवल ले रहा हूँ 2, 2, 4। तो बेसिकली अब ये सोचो कि अगर ये इंटरवल है मेरा, इसका रेसिप्रोकल देखना क्या जाएगा, ठीक। तो कोई भी वैल्यू अगर 1 से बढ़ती जा रही है, ठीक, ध्यान से समझना इस चीज को, कोई भी वैल्यू जो 1 से बढ़ के इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, 1 से लेके 0 की तरफ। तो खुद सोचो कि ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये इसी का बीच में सब पार्ट आ रहा है यहाँ पे, हाँ, यही यही पे इसका ये सब पार्ट जा रहा है, तो इसके रेसिप्रोकल जो होगा वो इस पर्टिकुलर चीज का सब पार्ट होगा, ठीक। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो पर्टिकुलर नंबर है इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या जा रहा है, 1/2, ये 1/2। अब 1/2 से अगर इस तरफ बढ़ रहा है, राइट हैंड साइड बढ़ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 से ये 0 की तरफ बढ़ेगा, इस तरफ। तो कहां तक जाएगा, जहां तक 4 का रेसिप्रोकल होगा, तो कहां तक जाएगा, ये 1/4 तक जाएगा। तो बेसिकली ये जो इंटरवल आया मेरे पास बन के, 1/4 से लेके 1/2, वो इस 2 to 4 का रेसिप्रोकल। तो कहने का मतलब है कि 2 to 4 अगर है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, ठीक, वो क्या आ जाएगा, 1/4 से लेके 1/2 आ जाएगा, ठीक। एक तो ये चीज, ठीक। दोबारा लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 0, 1, इन्फिनिटी, 2 से लेके लेट से 7, चलो 3 से लेके लेट से 7। तो कोई भी इंटरवल जो ये है, ठीक, अब इधर क्लोज ले रहा हूँ एंड इधर ओपन ले रहा हूँ, ठीक। तो अब कोई भी नंबर जो है, अगर 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा कोई भी वेरिएबल, तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो 1 से लेके 0 की तरफ जाएगा, ठीक। एक तो ये चीज, अब जैसे ही वो 1 से आगे जाने की कोशिश होगा तो बीच में 3 आएगा, तो 1 से पीछे जाने की होगा तो 3 का रेसिप्रोकल आएगा, तो 1/3। तो यहां से पीछे की तरफ वो शुरू हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल होगा, कहां तक जाएगा, जहां
जहां तक उसको सेवन का रेसिप्रोकल होकर मिल जाता तो दैट इज 1/7, ये 1/7 पे खत्म हो जाएगा और 1/3 पे शुरू होगा, ठीक। और 3 का रेसिप्रोकल इंक्लूडेड होगा, ये चीज इंक्लूडेड हो जाएगी, और 7 का रेसिप्रोकल नॉट इंक्लूडेड तो इधर ओपन आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? तो कहने का मतलब है कि जो 3/7 है ये चीज, इसका जो रेसिप्रोकल होगा, ठीक, वो क्या हो जाएगा मेरा 1/7 से लेके 1/3 ओपन एंड ये चीज क्लोज हो जाएगी, तो ये रेसिप्रोकल। हाँ जी, इस पर्टिकुलर पार्ट में किसी को भी डाउट है तो प्लीज बताओ। आदित्य समझ आया? अभी सिर्फ मैंने 1 से बड़े बड़े जो इंटरवल है, ठीक, उसका रेसिप्रोकल कैसे निकाला है, अभी तक मैंने सिर्फ वो चीज बताई है, मिक्सचर नहीं बताया, ठीक। इसमें कोई डाउट है आदित्य, प्लीज बता। नो सर। ठीक, अनन्या? नो सर। ठीक ठीक ठीक, दिया क्लियर है? चिराग? यस सर। चिराग आवाज नहीं है तेरी, टाइप कर ले, कोई बात नहीं, टाइप कर ले। ठीक है, राजवीर, काव्या क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक ठीक, स्तुति? यस सर। ठीक ठीक ठीक, अर्णव? शुभम? यस सर। ये तुम लोगों को याद है पिछला वाला, ये आई थिंक तुम लोगों को कराया हुआ रेसिप्रोकल का, चलो अब लेते हैं। हाँ जी, सेकंड क्वाड्रेंट में भी बता दो। मैं सब कुछ बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। पहली बात तो इधर क्वाड्रेंट नहीं है, ये 4 इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। अभी मैं धीरे धीरे करके सारे में आ रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे सच बताना मुश्किल हो जाता है, तो एक एक करके बता रहा हूँ। तो 1 इन्फिनिटी, ठीक, तो अच्छा एक और चीज मान लो, अब क्या हो रहा है, इंटरवल है मेरा जिसका रेसिप्रोकल करना है, x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके 7, एंड चलो पहले क्लोज ही लेते, ठीक। तो बेसिकली क्या करना है, ये 1/2 यहां से लेके 7 है जिसका रेसिप्रोकल निकालने की कोशिश करनी, ठीक, ये पार्ट। तो अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें पहले स्टार्टिंग में बोला कि रेसिप्रोकल हम 4 पार्ट्स में निकालते हैं, ठीक, जो भी हमें इंटरवल गिवन होगा एक उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये 1 के आगे पीछे चेंज हो रहा है इंटरवल, तो इसका रेसिप्रोकल अलग से निकालेंगे एंड इसका रेसिप्रोकल अलग से निकालेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक। अब मेरे को मालूम है, ध्यान से देखना ये चीज, कि 1 से कोई भी वैल्यू अगर बढ़नी शुरू हो जाती है तो उसका रेसिप्रोकल 1 से कम होना शुरू हो जाता है। अब ध्यान से देखो, ये 1 से बिल्कुल 1 है हमारे इंटरवल में, तो 1 से जैसे जैसे बढ़ के 7 तक गया तो इसका रेसिप्रोकल 1 से कम होता 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 कहां तक जाएगा, 7 के रेसिप्रोकल, तो ये जाएगा तुम्हारा 1/7, ठीक, और ये क्लोज है, इधर भी 7 का रेसिप्रोकल भी क्लोज है, तो अभी तक ये बन गया। ये किसका रेसिप्रोकल है, ये इस इंटरवल का 1 से लेके 7 का, ये वाला जो इंटरवल है 1 से लेके 7 का इंटरवल, इसका रेसिप्रोकल मेरा है ये वाला पार्ट, दैट इज 1/7 से लेके, ठीक, ये चीज आ गई। अब निकालना मेरे को ये वाले पार्ट का इंटरवल अपना रेसिप्रोकल। अब कोई भी वैल्यू जो 1 से छोटे की तरफ जाती है उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़े की तरफ जाता है, राइट, तो 1 से बढ़ने की बड़े की तरफ जाना शुरू हो गया और कहां तक जाएगा, 1/2 के रेसिप्रोकल तक जाएगा, वहां पे जाके खत्म हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2, बेसिकली ये 2 तक जाके खत्म हो जाएगा, ठीक। तो बेसिकली अब मेरा बना 1 से लेके 2 तक, तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, इसको और इसको ज्वाइन करूंगा, तो ध्यान से देखो, 1/7 से लेके ये 1 एंड ये आगे कंटिन्यू हो गए 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, तो ऐसा आ गया। तो इसका फिर फाइनल क्या बना, 1/7 से लेके 2 एक क्लोज एंड इधर से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x बिलोंग्स टू मेरा 1/2 से लेके 7 है, तो 1/x जो होगा मेरा इसको बिलोंग करेगा। हाँ जी, इसमें कोई डाउट, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। अच्छा, अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर वगैरह लेके जा रहा हूँ, ठीक, ध्यान से देखना। अच्छा, नेगेटिव के लिए भी फायदा भाई यही चीज होगी, ठीक। कहने का मतलब ये है
कि अगर कोई भी नंबर है जिसका जो नंबर की वैल्यू है वो माइनस वन से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो उसका रेसिप्रोकल माइनस वन से जीरो की तरफ जाएगा, एंड कोई भी नंबर जो माइनस वन से जीरो की तरफ जा रहा है उसका रेसिप्रोकल इस तरफ जाएगा। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, जैसे यहाँ पे होता है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चलना है। अच्छा अब जैसे एग्जाम्पल देखो, ठीक है, ये ध्यान से देखना एग्जाम्पल, ठीक। ये एग्जाम्पल है इसका जो स्टार्टिंग में हमने ये चीज की, बिल्कुल ये चीज, ठीक। तो डिनोमिनेटर में क्या आया था हमारा माइनस वन से थ्री, तो बेसिकली माइनस वन से थ्री का रेसिप्रोकल करना, ठीक है। तो चलो लेट्स ट्राई टू डू दैट, माइनस वन से थ्री, तो ये जा रहा है माइनस वन, ये जा रहा है वन, एंड यहाँ पे कहीं पे थ्री, तो ये जो पूरा का पूरा इंटरवल है इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे इंटरवल का हमें रेसिप्रोकल करना। अब इस पूरे के पूरे इंटरवल का रेसिप्रोकल किस तरीके से करेंगे, ठीक, ध्यान से देखना है। इसको चार पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला आ जाएगा ये वाला पार्ट, माइनस वन से जीरो यहाँ पे खत्म कर देंगे, फिर आएगा जीरो से लेके वन, इसको यहीं पे खत्म कर देंगे, फिर आएगा वन से लेके थ्री, इसको यहीं पे खत्म कर, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये तो सारा का सारा इंटरवल है, राइट, ये तो सारा का सारा इंटरवल है। अब हमने ये चीज समझी कि कोई भी नंबर अगर वन से जीरो माइनस वन से जीरो की तरफ जाता है तो उसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, माइनस वन से माइनस इनफिनिटी की तरफ। यानी कि अभी तक अगर देखा जाए तो ये सारा का सारा इंटरवल आता है, ये सारा का सारा इंटरवल आता है, ठीक, ये सारा का सारा इंटरवल। तो बेसिकली इसका रेसिप्रोकल ये आ गया, कहां से कहां तक, वन से इंक्लूडेड से लेके इनफिनिटी तक। फिर ऐसे हमने ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसका इंटरवल, इसका रेसिप्रोकल निकाला, वो भी अगेन क्या आ जाएगा, ये वैल्यू क्या जा रही है तुम्हारी वन से लेके जीरो की तरफ, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा वन से लेके इनफिनिटी की तरफ, इसका रेसिप्रोकल ये आ। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वन से लेके थ्री, इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, देखो जो वन से बढ़ रहा है नंबर, वन से अगर बढ़ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वन से लेके कम होना शुरू हो जाएगा, तो वन से लेके कम होना शुरू हो जाएगा, और कहां तक जाएगा, थ्री के रेसिप्रोकल ये जाएगा वन बाय, तो ये इंटरवल पूरा का पूरा वन के, दैट इज वन बाय थ्री से लेके वन। तो कंबाइंड किया अब मैंने, एक बना ये इंटरवल, एक बना ये इंटरवल, एक बना ये इंटरवल। अब ध्यान से देखना, ठीक, तो दैट इज एक बना माइनस वन तक, फिर माइनस सॉरी ये वन बाय थ्री से लेके वन तक, वन बाय थ्री से लेके वन तक, फिर वन से शुरू हुआ एंड इन्फिनिटी तक, तो वन से शुरू होके यहीं से शुरू होके इन्फिनिटी तक, तो फाइनल मेरा क्या बना, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन बाय थ्री से लेके इन्फिनिटी, ठीक। तो ये जो होगा, ये होगा मेरा वन बाय टू साइन एक्स प्लस वन, ठीक, इसको बिलोंग करेगा, ठीक। अब एक काम करते हैं, ठीक, लेट्स ट्राई टू सी इट्स ग्राफ, ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं, एंड देन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चीज सही आ रही है या नहीं आ रही, ठीक। तो हाँ जी, वन बाय टू साइन एक्स प्लस वन, ठीक, इस चीज को। अब ये तो इसका ग्राफ आ गया, एंड ग्राफ के थ्रू इसका जो आउटपुट है वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि ये वैल्यू क्या जा रही है, पॉइंट थ्री थ्री थ्री, ठीक, आउटपुट आ रहा है पॉइंट थ्री 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 थ्री, एंड ये जो वैल्यू है ये आउटपुट क्या आ रहा है, माइनस वन, ठीक। अब ध्यान से देखना, मैं एनोटेट करके सारा समझा रहा हूँ, ठीक। ध्यान से देखो, ये माइनस इन्फिनिटी से आउटपुट शुरू हुआ, तो माइनस इन्फिनिटी से आउटपुट शुरू होकर कहाँ तक गया, माइनस वन तक गया, ठीक, माइनस वन तक गया, फिर इसके बीच में कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक, फिर ये आउटपुट शुरू हुआ वन बाय थ्री से, और वन बाय थ्री से बड़ा 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 बढ़ के आउटपुट कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो क्या पे क्या आउटपुट आ रहा है, फिर माइनस वन माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन वन बाय थ्री से लेके इन्फिनिटी, ठीक। तो ये चीज़ जारी हो गई, और वही चीज़ हमने उधर कैलकुलेट की थी, ठीक। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज आदित्य, क्लियर हुआ तेरे को कैसे करना? हाँ जी सर, ठीक ठीक ठीक। काव्या, आपको क्लियर हुआ? यस सर। दिया,
Yes, sir. Tute? Yes, sir. ठीक 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 राजवीर क्लियर है तेरे को? Yes, sir. चलो ठीक 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 है चलो अभी आगे चल रहे हैं एंड हाँ तो यहाँ पे हम वापस आ रहे हैं तो इस तरीके से हमने इसको समझने की रेसिप्रोकल को करने की कोशिश की ठीक तो दिस पर्टिकुलर पार्ट is nothing but कि reciprocal कैसे करना है ठीक ये चीज ठीक चलो let's see some examples reciprocal की तो अब clear होगा हमें कि reciprocal करना कैसे ठीक है तो example 1/3 sin x - 2 ठीक तो अब हमें मालूम है कि 3 into sin x - 2 का मतलब क्या है ये -1 to 1 होगा into सबसे पहले 3 होगा तो ये बन जाएगा -3 to 3 एंड -2 करना है -2 करके ये दोनों से -2 हो जाएगा तो ये बन जाएगा -5 से लेके 1 तो -5 से लेके 1 का रेसिप्रोकल क्या जाएगा ठीक अब बहुत क्विकली करेंगे देखो -1 0 1 एंड यहाँ पे 5 तो ये पर्टिकुलर पार्ट है -1 से 5 ठीक अब ध्यान से देखना है चीज तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ठीक -1 से 0 इसका रेसिप्रोकल जाएगा -1 से -1 यहाँ था फिर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है 0 से 1 इसका रेसिप्रोकल जाएगा तुम्हारा 1 से लेके इन्फिनिटी ठीक ये वाला पार्ट एंड ये जो 1 से बढ़ के 5 तक जा रहा है इसका रेसिप्रोकल 1 से कम होगा और कहां तक जाएगा 5 के रेसिप्रोकल तक तो ये खत्म हो जाएगा 1/5 ठीक यहां तक तो कंप्लीट क्या बना मेरा -∞ to -1 union 1/5 से लेके तो दैट इज ये आएगा मेरा 1/ क्या फंक्शन था 3 sin x - 2 ठीक ये आएगा यहां पे ठीक ये फाइनल आंसर जो है ये फाइनल आंसर हमारा एक्ट करेगा ठीक है आई होप ये चीज क्लियर हुई किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो ठीक मन तक नहीं रखना बाहर लाओ मेरे को बताओ क्या डाउट आ रहा है अच्छा ये फिर से समझा दो ये समझ में आया आदि कि ये -5 to 1 था डिनोमिनेटर हाँ जी सर एक सही नुका दी किसी को और का भी डाउट था कोई और भी बोल रहा था मेरा हाँ श्रुति क्या हुआ आपने ग्राफ से मतलब नंबर लाइन से कैसे किया वो बताना हाँ आपको ये वाला समझा नंबर लाइन का पिछला वाला हाँ ठीक इसको भी फिर आदित्य तेरे को पिछला वाला समझा था यस सर ठीक 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 है इसको दोबारा देखो ध्यान से ठीक मैं दोबारा बताता हूँ देखो हमें -1 to -5 to 1 का सॉरी मैंने 1 to 5 का रेसिप्रोकल कर दिया था पहले हाँ वो गलती करती ये ना थोड़ा गलत कर दिया मैंने यहां से देखो -5 -1 0 1 ठीक तो इस चीज का रेसिप्रोकल मैंने जल्दी जल्दी में -1 to 5 का रेसिप्रोकल ठीक है तो ध्यान से देखो ये एंड ठीक अब सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 0 से 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है मेरा 1 से लेके इनफिनिटी ठीक आदित्य इसमें कोई डाउट नो सर आदि बात करता रहा अभी ठीक है माइक ऑफ मत करा okay. तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसका रेसिप्रोकल क्या जा रहा है हमारा ये 1 से लेके इनफिनिटी ठीक फिर ये वाला पर्टिकुलर पार्ट लिया हमने अब इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा -1 से लेके -∞ ये क्लियर है हाँ जी अब ये वाला पर्टिकुलर पार्ट अब ध्यान से देख ये वैल्यू -1 से -∞ की तरफ जा रही है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा ये -1 से 0 की तरफ जाना शुरू होगा और कहां तक जाएगा जहां तक मेरे को -5 का रेसिप्रोकल ना मिल जाए और वो क्या होता है मेरा -1/5 ठीक हाँ जी तो ये कंप्लीट क्या बना मेरा दैट इज -∞ से लेके -1 फिर -1 से -1/5 तो यानी कि कंप्लीट बन जाएगा मेरा -1/5 तक फिर ये बन जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी तो 1 से लेके इन्फिनिटी एक तो कंप्लीट क्या बना मेरा -∞ से -1/5 एक सेकेंड हाँ -1/5 यूनियन +1 से लेके इन्फिनिटी अब समझा हाँ जी अब आ गया ठीक है स्तुति हाँ जी सर समझ आ गया चलो ठीक 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 है और सेकेंड एग्जांपल देखो जरा
वन बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस थ्री, ठीक, वन बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस थ्री। अब ध्यान से देखो, मैंने ये देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस थ्री जो होता है ये होता है मेरा जीरो टू वन, ऐसे प्लस थ्री किया तो थ्री इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा ये, दैट इट विल बिलोंग टू जीरो, सॉरी जीरो प्लस थ्री इज थ्री, तो थ्री से लेके फोर ऐसा आ जाएगा, तो थ्री से लेके फोर का रेसिप्रोकल करना है, तो वन थ्री फोर, तो ये चीज का रेसिप्रोकल करना है। ऑब्वियसली अब ये वन से बढ़ने की कोशिश हो रही है, तो इसी इंटरवल का ये जो है सबसेट है, तो ये वन से डिक्रीज होने की कोशिश होगी, तो सबसे पहले आएगा थ्री का रेसिप्रोकल, तो दैट इज वन बाय थ्री, और फिर आएगा फोर का रेसिप्रोकल, दैट इज वन बाय फोर, और वन बाय फोर नॉट इंक्लूडेड होगा, एंड वन जो वन बाय थ्री ये इंक्लूडेड हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा, वन बाय फोर से लेके वन बाय थ्री इंक्लूडेड, तो वन बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस थ्री बिलोंग। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। ये समझ आया आदित्य? हाँ जी सर। चलो ठीक ठीक ठीक, नेक्स्ट, ठीक नेक्स्ट क्या है? अच्छा बाय द वे, नोट्स जो है मैं उसी के अंदर कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आपको जब मैं आज नोट्स सेंड करूंगा तो इसके अंदर पिछले वाले नोट्स भी आएंगे सारे के सारे, ठीक है, तो यहाँ से बस ध्यान रखना कि तुम्हें कहाँ से कंटिन्यू करना, ठीक। अच्छा देन नेक्स्ट इज हमारा दो पर्टिकुलर पार्ट है अभी जो हमारे बच्चे में, ठीक, इसके अंदर क्या चीज है, स्केयरिंग करना एक, एंड एक पर्टिकुलर पार्ट है हमारा दैट इज अंडर रूट करना, स्केयर रूट करना, ठीक। तो आई थिंक ये पहले जो था ये फोर्थ पार्ट था हमारा, फोर्थ मैनिपुलेशन था, ठीक, ये बेसिकली मैनिपुलेशन वाला पार्ट सभी देखते हैं, ठीक, ये आई थिंक रेसिप्रोकल वाला जो था ये फोर, हाँ डी फोर्थ पार्ट था हमारा, फिफ्थ पार्ट था फिफ्थ मैनिपुलेशन, ठीक, दैट इज स्केयर करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, स्केयरिंग एन इंटरवल, एक इंटरवल का स्केयर करना। अब इस इंटरवल का स्केयर कैसे करेंगे, ठीक, तो अगेन इसको समझने के लिए, ठीक है, स्केयरिंग करने के लिए दो पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक, तो ध्यान से देखना है चीज। मान लो मेरे पास एक इंटरवल है वन से लेके सेवन तक, एंड एक इंटरवल है माइनस वन से लेके सेवन तक, ठीक। अब ध्यान से देखना, जो वन से लेके सेवन है इसका स्केयरिंग करूंगा, इसका स्केयरिंग करके देखो, वन का स्केयर तो वन चला जाएगा, फिर बीच में टू आएगा, टू का स्केयर फोर चला जाएगा, फिर बीच में थ्री आएगा, थ्री का स्केयर नाइन चला जाएगा, फिर बीच में फोर आएगा, फोर का स्केयर करूंगा तो सिक्सटीन चला जाएगा, ऐसे सेवन का स्केयर जो है वो क्या चला जाएगा, फोर्टीन। तो ध्यान से देखो, वन से सेवन का जो स्केयर करूंगा इंटरवल का, तो वो जाएगा वन से लेके फोर्टीन। हाँ जी, इसमें कोई डाउट आदित्य, क्लियर हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि वन से लेके सेवन का अगर मैं इंटरवल है इसका स्केयर करूंगा, तो स्केयर करने पे क्या जाएगा, वन से लेके फोर्टी नाइन जाएगा, ठीक। इसके अंदर बीच के नंबर के लिए मैंने एंड थोड़े थोड़े नंबर इंटरवल पे प्लॉट करने की कोशिश की, तो जैसे वन का स्केयर वन हो जाएगा, टू का स्केयर फोर, थ्री का स्केयर नाइन, फोर का स्केयर सिक्सटीन, एंड सो अंटिल सेवन का स्केयर फोर्टी नाइन। तो वन से सेवन जो है इस पर्टिकुलर इंटरवल का स्केयर करूंगा, तो वो जाएगा वन से लेके फोर्टी नाइन। दिया, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ, अगर मैं इस इंटरवल का स्केयर करूंगा माइनस वन से माइनस सेवन से माइनस वन, ठीक, तो ये नेगेटिव का तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि नेगेटिव का स्केयर करूंगा वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, कहने का मतलब ये है कि माइनस सेवन का स्केयर करूंगा तो वो जाएगा फोर्टी नाइन, माइनस सिक्स का स्केयर करूंगा, ठीक, तो वो जाएगा मेरा यहाँ पे थर्टी सिक्स, ठीक, फिर माइनस फाइव का स्केयर करूंगा तो वो जाएगा ऐसे यहाँ पे ट्वेंटी फाइव, फिर माइनस फोर का स्केयर करूंगा तो वो जाएगा यहाँ पे ये सिक्सटीन, ये जो वैल्यू सिक्सटीन है ये जाएगी, फिर माइनस थ्री का स्केयर करूंगा तो वो जाएगा माइनस नाइन, फिर माइनस टू का स्केयर करूंगा तो वो जाएगा फोर, एंड माइनस वन का स्केयर करूंगा तो वो जाएगा वन। कहने का मतलब ये है कि इस इंटरवल का स्केयर करूंगा वो भी वन से लेके फोर्टी नाइन ही जाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट सबसे पहले समझने वाला है कि अगर मैं वन से लेके सेवन का इंटरवल का स्केयर करूंगा तो वो जाएगा मेरा वन से लेके फोर्टी नाइन, लेकिन अगर मैं माइनस सेवन टू माइनस वन का स्केयर करूंगा तो वो भी मेरा वन टू फोर्टी नाइन ही जाएगा। ये दोनों चीजें पहले समझो। हाँ जी, इसमें कोई डाउट? ये समझ में आया पक्का सबको? ठीक दक्ष, क्लियर हुआ तेरे को? यस सर। ठीक, तो जो
जो 0 से 4 है उसका स्क्वायर करूंगा वो आ जाएगा 0 से लेके 60। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा दैट इज माइनस 2 से लेके 0 का, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 एंड 0, तो फिर वैल्यू कम होती जा रही है एंड 0 तक जा रही है, तो इसका स्क्वायर जाएगा 0 तक, तो 0 से लेके 4, तो माइनस 2 से 0 जो है इसका स्क्वायर जाएगा 0 से लेके 4, तो 0 से लेके 4 जो है इसका स्क्वायर जा रहा है 0 से लेके 6। अब दोनों का करना यूनियन, तो दोनों का यूनियन करके क्या जाएगा 0 से लेके, इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। तो माइनस 2 से लेके 4 का अगर मैं स्केयरिंग करूंगा तो दैट विल बिलोंग टू 0 से लेके 60। ठीक, इसमें जनरली बच्चे पता क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर का स्केयर कर देते हैं एंड बड़े वाले नंबर का स्केयर कर देते हैं, तो वो बोलते हैं ये आएगा। ठीक, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, क्योंकि जो बीच में माइनस 2 से 4 के बीच में जो नंबर 0 आ रहा है उसका स्केयर होकर 0 भी तो आएगा, वो इसके अंदर आया ही नहीं, तो इसको स्केयर करने का जो तरीका होता है वही चीज समझा रहा हूँ। ठीक, जनरली ये मत करना कि छोटे वाले नंबर का स्केयर करते हैं बड़े वाले नंबर का स्केयर करते हैं मेरा काम हो गया। ठीक है, वो बिल्कुल गलत तरीका होगा। इसको समझने की कोशिश करो कि नेगेटिव पार्ट में एंड पॉजिटिव पार्ट में तोड़ते हैं, पॉजिटिव का अलग से स्केयर करते हैं, नेगेटिव का अलग से स्केयर करते हैं, दोनों का यूनियन करते हैं। दिस इज द करेक्ट। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक आदित्य, समझ आ गया सर। दिया, यस सर। ठीक स्तुति, हाँ जी सर। ठीक अनन्या, आ गया सर। ठीक 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 है, चलो अब जैसे ध्यान से समझना। ठीक, लेट्स से बड़े सिंपल से एग्जांपल लेके जा रहे हैं, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2। ठीक, इसका स्केयरिंग क्या होगा, सॉरी स्केलिंग बोल रहा हूँ, इसका जो रेंज है वो रेंज क्या होगा। ठीक, तो इसका रेंज निकालने के लिए सबसे पहले मैंने ये देखा कि साइन एक्स जो होता है, ठीक, वो होता है माइनस 1 to 1, इसका स्केयरिंग करना। ठीक, साइन एक्स का स्केयरिंग करना, तो माइनस 1 to 1 का स्केयरिंग करना, तो 0, 1, -1, तो ये वाले पर्टिकुलर पार्ट का स्केयरिंग करना। ठीक, इसलिए हमने मैंने 0 से 1 का स्केयरिंग किया, वो तो 0 से 1 का स्केयरिंग करूंगा तो 0 से 1 ही आ जाएगा। एंड एक सेकेंड, हाँ, तो अब मैंने क्या किया, इसका स्केयरिंग किया, वो तो 0 to 1, इसका स्केयरिंग करके वो तो 0 to 1 आ गया। ठीक, अच्छा इस पार्ट का स्केयरिंग किया वो भी 0 to 1 आ गया, तो कहने का मतलब ये है कि इसका स्केयरिंग करूंगा वो 0 से 1 आ गया। ठीक, फिर इंटू 3 करना है, तो 3 times 0 to 1 देन प्लस 2, तो ये 3 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 0 से लेके 3 देन प्लस 2, तो दैट इज 2 से लेके 5। ठीक, तो दिस विल बिलोंग्स टू 2 से लेके। इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्केयरिंग करने का 5th मैनिपुलेशन। ठीक, स्केयरिंग का हां जी, साइन इनवर्स होता, सॉरी वहां पे अपने साइन एक्स लिया ना, हां वो वहां पे साइन इनवर्स होता, 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2, आप ये जिस बोल रहे हैं। हां जी ठीक, अब ध्यान से देखना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का स्केयरिंग करूंगा तो ये होता है आपका, इसका आउटपुट होता है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। ठीक, तो व्हाट इज पाई बाय 2, तो पाई इज 3.14 एप्रोक्सीमेटली, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1.57 जाएगा। तो बेसिकली ये इंटरवल क्या जा रहा है, दैट इज -1.57 से लेके 1.57। ठीक, ऐसा जा रहा है। तो अब ध्यान से देखो, 0 -π/2 π/2 इसका स्केयर करूंगा। ठीक, तो इसका स्केयर करने पे क्या जाएगा, ये 0 से लेके π² / 4 तक जाएगा, ये इंटरवल आ जाएगा। ठीक, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसका स्केयर करूंगा तो वो भी यही आ जाएगा। ठीक, तो फाइनली इस पर्टिकुलर पार्ट का, दैट इज -π/2 से π/2 का अगर मैं स्केयरिंग करूंगा तो वो आ जाएगा, पहली बात तो 0 से π² / 4, सबसे पहले तो ये कंसेप्ट आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ एंड 2 ऐड कर देना। ठीक, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 0 से लेके π² / 4 प्लस 2 ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 एंड ये बन जाएगा 0 से लेके 3π² / 4 एंड देन प्लस 2, तो ये बन जाएगा 2 से लेके 3π² / 4 प्लस 2, ये आएगा इसका, दैट इज 3 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2। हाँ जी, समझ आया। तो सेकंड और सेकंड का भी ऐसे ही करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, सारे के सारे ऐसे ही करेंगे, सारे के सारे।
हाँ जी बताओ जरा। ओके हाँ जी ठीक है, तो चलो आगे चल रहे हैं अभी। लास्ट मैनिपुलेशन है ठीक, सिक्स्थ मैनिपुलेशन। तो सिक्स्थ मैनिपुलेशन इज स्क्वायर रूट ठीक। स्क्वायर रूट के अंदर क्या चीज है हमारी, दैट इज रूट करना है एक इंटरवल का ठीक। अब हमें मालूम है रूट नेगेटिव का तो किया नहीं करता ठीक, तो दो केसेस लेके जाऊंगा मैं। पहले केस लेके जाऊंगा कि जिसमें इंटरवल जो है वो पॉजिटिव है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव ठीक। उसकी जो पूरा का पूरा इंटरवल है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है ठीक। तो वो जैसे देखो जरा, मान लो 2 से लेके 16 ठीक, इसका स्केयर रूट करना ऐसे। तो इसका स्केयर रूट करूंगा तो क्या आएगा, बस वही करना, छोटे नंबर का स्केयर रूट बड़े नंबर का स्केयर रूट, दैट्स इट। तो ये आ जाएगा रूट 2 से लेके ठीक है, 2 का स्केयर रूट किया तो रूट 2, एंड 16 का स्केयर रूट किया तो क्या आ जाएगा 4, और 16 पे ओपन है तो 4 पे ओपन आ जाएगा, रूट 2 पे क्लोज, तो ये आ जाएगा ठीक है। इसका तो बहुत सिंपल चला गया ठीक। एंड इन केस अगर कुछ पार्ट इसका नेगेटिव है ठीक, तो जैसे मान लो -4 से लेके 16 है, इसका स्केयर रूट करना। इसका स्केयर रूट करने के लिए ध्यान से देखो क्या होगा, -4 0 एंड 16, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है इसका तो स्केयर रूट हो नहीं पाएगा क्योंकि ये इमेजिनरी जाना शुरू हो जाएगा, तो नेगेटिव वाला पार्ट को छोड़ देंगे, इसका स्केयर रूट कभी भी नहीं करेंगे ठीक। और जो पॉजिटिव पार्ट बचेगा दैट इज 0 से 16, इसका स्केयर रूट कर देंगे, तो 0 से 16 का स्केयर रूट क्या हो जाएगा, 0 से लेके 4 इस तरीके से। तो बेसिकली इसका स्केयर रूट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 0 से लेके 4, दैट्स इट। आई होप क्लियर हुआ। तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्केयर रूट करने का तरीका क्या है कि छोटे का स्केयर रूट करो फिर बड़े का स्केयर रूट करो इस तरीके से। एंड अगर कोई पार्ट जो है इंटरवल का वो नेगेटिव भी है तो नेगेटिव को छोड़ दो और जो पॉजिटिव पार्ट है उस पॉजिटिव पार्ट का स्केयर रूट कर दो, दैट्स इट ठीक। पॉजिटिव पार्ट का स्केयर रूट कर देंगे वो आंसर आ जाएगा ठीक। अब जैसे देखो एग्जांपल, मान लो क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट ऑफ 3 sin x प्लस 1 ठीक, 3 sin x plus 1 इसका रेंज कर, ये किसको बिलोंग करेगा ठीक, ये इंटरवल बता। तो मैंने कहा 3 into sin x, sin x का रेंज क्या होता है -1 to 1 plus 1, ये बन जाएगा -3 से लेके 3 plus 1, तो ये बन जाएगा मेरा -2 से लेके 4। अब -2 से लेके 4 ठीक, इसका स्केयर रूट करना, तो -2 से लेके जो 0 है ये तो हट जाएगा ठीक। अब 0 से लेके जो 4 है ठीक, इसका स्केयर हो जाएगा, इसका स्केयर रूट हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 0 से लेके 2, बात करता हूँ। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो आएगा 0 से लेके। अब हाँ जी क्लियर हुआ ये चीज, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, किसी को भी प्लीज। सर हमने नेगेटिव पार्ट को एक्सक्लूड किया क्योंकि नेगेटिव का स्केयर रूट जो स्तुति वो होता है इमेजिनरी चला जाता है, हम सिर्फ रियल फंक्शंस के अंदर डील करते हैं ना, तो रियल फंक्शंस का मतलब क्या है कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों के दोनों आपके रियल होने चाहिए ठीक है। पर उसके ये मतलब है कि अगर कोई फंक्शन है जिसका आउटपुट टोटली नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्क्वायर रूट रियल रियल प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा ना वो कभी भी ठीक है ना। जैसे मान ले ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ तेरे को ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, हाँ जी वापिस आ जाओ। तो ग्राफ अभी करते हैं ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान ले ग्राफ क्या, मैंने साइन एक्स -2 ठीक। तो अब अगर इसको ध्यान से देखेगा तो ये टोटली नेगेटिव जा रहा है, अगर टोटली बिलो एक्स एक्सिस है तो टोटली नेगेटिव जा रहा है। तो लेट्स ट्राई टू सी इसका स्केयर रूट करूंगा तो क्या जाएगा ठीक। तो इसका स्केयर रूट किया तो क्या जाएगा, तो बना ही नहीं, ग्राफ ही नहीं बना, क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो जाएगी इमेजिनरी और इमेजिनरी रियल प्लेन पे बन ही नहीं सकती। और देख ध्यान से, अगर इसके अंदर मैंने +1 किया तब भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी प्लस वन कर दूंगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो अभी भी नहीं जाएगा ये ठीक, समझा ना ये चीज, वो अभी भी नहीं जाएगा। अच्छा फिर क्या करें,
तो अब ध्यान से देख, मैंने क्या किया, साइन एक्स क्या होता है माइनस वन टू वन, उसके अंदर मैंने एज इट इज रहने दिया। एक अब ध्यान से देख क्या हुआ, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट आ रहा था उसका स्केयर रूट बना ही नहीं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसका स्केयर रूट हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा एक और चीज, हाँ ये बिल्कुल बेसिक बिहेवियर देखो, ठीक, एंड इसके बीच में मैं साइन एक्स भी बनाता हूँ। हाँ ये बिहेवियर ध्यान से देखना, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये रूट है एंड जो नीचे वाला ग्राफ है वो साइन स्क्वायर एक्स है एंड जो बीच वाला ग्राफ है वो साइन एक्स है। ठीक, अब मेरे को ये बताओ कि बेसिकली साइन एक्स की का स्केयर रूट करने पे वैल्यू बढ़ गई एंड स्केयर करने पे वैल्यू कम हो गई। ठीक, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर मैं एक पर्टिकुलर इनपुट लूँ तो ये साइन एक्स का आउटपुट आ रहा है, ये रूट साइन एक्स का आउटपुट आ रहा है, ये साइन स्केयर एक्स का। साइन एक्स का अगर स्केयर रूट किया तो वैल्यू बढ़ गई, अगर साइन एक्स का स्केयर किया तो वैल्यू कम हो गई और रूट किया तो वैल्यू बढ़ गई। ठीक, ऐसा क्यों हुआ दिया, स्केयर रूट करने पे वैल्यू बढ़ रही है और स्केयर करने पे वैल्यू कम हो रही है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्केयर करने पे तो वैल्यू बढ़नी चाहिए एंड स्केयर रूट करने पे वैल्यू कम होनी चाहिए, यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। हाँ जी दिया, बहुत सिंपल है। हाँ जी, पता नहीं सर। अच्छा दक्ष, चिराग, सर पता नहीं, जीरो टू वन, आदित्य बिल्कुल सही। एक्चुअली में ये जीरो टू वन लाई कर रहा है, साइन एक्स का, साइन एक्स होता है फ्रैक्शन। ठीक, तो फ्रैक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ा, उसकी पावर बढ़ाऊंगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसलिए साइन एक्स की पावर अगर मैं रेज करूंगा तो उसकी वैल्यू कम होगी। अच्छा आप ध्यान से देखना, मैं साइन क्यूब करता हूँ तो और नीचे आता है। ठीक, मैं साइन क्यूब करके दिखाता हूँ, और नीचे आता है, देखो देखो और नीचे आ गया, ये जो ब्लैक वाला ग्राफ बना ये और नीचे आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्शन है ना ये चीज, तो जीरो टू वन वैल्यू है, अगर जीरो टू वन वैल्यू की मैं पावर बढ़ाऊंगा तो वैल्यू कम हो जाएगी और पावर अगर कम करूंगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, ये फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है हमारी, ये सारी की सारी वैल्यू ये फ्रैक्शन है, ये जीरो टू वन के बीच में लेकर, इसलिए इनकी पावर कम की तो वैल्यू बढ़ गई और पावर बढ़ाई तो वैल्यू कम, इसलिए ये चीज। हाँ जी समझ आया दिया, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी अनन्या बोलो। सर जो नॉर्मल हमने डोमेन का किया था उसमें जो हमने कहा था कि जब हम के से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो के टाइम्स श्रिंक हो जाता है, और जब एक्स के अंदर किया था, एक्स को बोला था, अगर श्रिंक करना है तो हमने ये बोला था कि जैसे साइन के एक्स है राइट, तो k टाइम्स श्रिंक हो जाएगा अगर आप, हमने ये चीज बोली थी राइट। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, k into sin x कर रहे हो या sin kx कर रहे हो, अगर ये कर रहे हो तो ये sin x का पूरा ग्राफ k टाइम्स हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंड हो जाएगा, हाइट बढ़ जाएगी ऊपर नीचे, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ऊपर नीचे बढ़ जाएगा ना ये चीज। जैसे देखो एग्जांपल देखो ना जरा, यहाँ पे मैं आपको एक केस बताता हूँ, सिर्फ साइन एक्स देखो, ठीक, एंड फिर हम ग्राफ करते हैं फोर इंटू साइन एक्स का, एक फोर साइन एक्स, तो क्या हुआ, साइन एक्स की हाइट फोर टाइम्स बढ़ गई और ऊपर भी नीचे भी। ठीक, तो ये हो गया कि के जो है वो बाहर है, के इंटू साइन एक्स हो रहा है। अनन्य क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, एंड सेकंड ग्राफ में अभी आपको बता रहा हूँ साइन फोर एक्स, अब साइन फोर एक्स का ग्राफ क्या है देखो, अब ये साइन एक्स के साथ लेना देना, तो मैंने साइन फोर एक्स हटा दिया,
अब देखो क्या हुआ, ये चीज ये 4 टाइम्स श्रिंक हो गया, यानी कि जहां पे मेरी एक वेव बन रही थी, देखो जरा, जहां पे मेरी सिर्फ एक वेव बन रही थी साइन की, वहां पे वहां तक अब ध्यान से देखो, एक वेव, ये एक वेव बनी, फिर ये दो वेव बनी, फिर ये तीन वेव बनी, फिर ये चार वेव बनी, तो इसलिए इसको बोलेंगे कि ये श्रिंक हो गया, कंप्रेस हो गया, श्रिंक का मतलब कंप्रेस हो गया, कि जहां पे एक वेव बन रही थी वहां पे चार वेव बनी, इसलिए साइन 4x का ग्राफ एंड 4 टाइम्स साइन x, इन दोनों का अलग अलग होता है, इस चीज का मतलब क्या है कि वो ऊपर नीचे एक्सपेंड हो जाएगा 4 टाइम्स, खिंच जाएगा, ठीक, और इस चीज का मतलब क्या है कि 4 टाइम्स वो कंप्रेस हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ अनन्या? ठीक, चले आगे। हाँ जी चिराग बोलो। सर 4 sin x, 2 sin x के स्क्वायर का ग्राफ बनाना। 2 sin x के मैं इधर बनाता हूँ ना, इधर बना के दिखाता हूँ, फिर इधर कंफर्म करते हैं ना अपन। हाँ, तो अपने को बनाना है 2 sin x का होल स्क्वायर, ये चीज है ना, तो बेसिकली 4 sin square x हो गया ना, ठीक, ये ग्राफ बनाना है। अब sin square x का ग्राफ क्या होता है, अभी मैंने जस्ट बताया तुम्हें कि ये अगर sin x का ग्राफ है तो sin square x का ग्राफ क्या होगा, ठीक, क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाएगा एंड फिर हाइट 1 की 1 जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, फिर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और जो नेगेटिव वाला है इसका भी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो इसका भी ग्राफ ऊपर चला जाएगा, ये समझा चिराग? यस सर। फिर ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 टाइम्स मतलब 0 तो 0 रहेगा, और ये जो 1 है ये 1 बन के 4 टाइम्स होके ये 4 हो जाएगा, ठीक, तो ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, समझा? यस सर। ठीक, अब ध्यान से देख कंपेयर करते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, और ये कंपैरेटिवली साइन एक्स, ठीक, ध्यान से देखिए, ठीक है, क्लियर हुआ? चला क्लियर है? यस सर। ठीक, तो कोई चलो आगे चल रहे हैं, तो इस तरीके से हमने ये फिर स्केयर रूट वगैरह का देखा, ठीक, कि स्केयर रूट का कैसे करना है, ठीक है, तो चलो अभी आगे जा रहे हैं, ठीक, ध्यान से देखना, जैसे एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, ये मैनिपुलेशंस को यूज करके कैसे करना है, ठीक है, एग्जांपल्स, लेट से वो बोल रहा है वाई इज इक्वल टू 4 साइन स्केयर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3 का रेंज बताओ, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने ये चीज देखी तो मैं क्या करने की कोशिश करूंगा कि स्केयर कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक, तो स्केयर कंप्लीट करने के लिए, ठीक, ध्यान से देखना, मेरे पास क्या चीज दे रखी है, 4 साइन स्केयर एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक, प्लस 3 को अपनी साइड में रखो, क्योंकि स्केयर कंप्लीट करने के लिए मेरे को ये दो टर्म चाहिए, तो ये बन गया मेरा 2 साइन एक्स का होल स्केयर, और ये जो चीज है ये 2a भी एक्ट करेगा, तो साइन एक्स के साथ 2 होना चाहिए, तो साइन एक्स के साथ 2 होना चाहिए, तो ये जो टर्म है इसको लिखा मैंने 1 - 1/2 into 2 साइन एक्स, ठीक, इसको लिखा मैंने 2 साइन एक्स, ठीक है, तो बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक, फिर इसको, अब 2ab वाले टर्म होते तो एक और 2 चाहिए, तो इसको किया मैंने -2 × 1/2, तो ये नीचे 4 आ गया, बेसिकली ऐसा लिखा इसको -2 × 1/4 × 2 sin x, ठीक, तो देखो 4 sin x को लिखा मैंने 2 sin x का स्क्वायर, एंड ये जो माइनस sin x था इसको लिखा -2 × 1/4 × 2 sin x, ठीक है, तो ये करने के बाद मेरे को ये पता चला कि जो सेकंड टर्म है वो 1/4 होनी चाहिए, तो इसलिए +1/16 - 1/16 इसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट, अब ये तीनों चीजें मिलके मेरा क्या बन गया, 2 साइन एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, एंड ये -1/16 एज इट इज,
एंड साथ में ये प्लस थ्री को रखा तो ये चीज बन गई, तो क्या जाएगा ये, ठीक यहाँ से देखो, ये जाएगा टू साइन एक्स माइनस वन बाय फोर का स्क्वायर, और ये 16 थ्री था 48 माइनस वन माइनस प्लस 47 बाय 16, ये स्क्वायर कंप्लीट करके, ठीक। थोड़ा डिफिकल्ट वाला एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया है ताकि ये क्लियर हो ये स्क्वायर कंप्लीट कैसे करना था। हाँ जी, स्क्वायर कंप्लीट करने में इसका स्क्वायर कंप्लीट करके ये बना, अभी तक बाय द वे सिर्फ स्क्वायर कंप्लीट किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। स्क्वायर कंप्लीट करने में किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। हाँ जी राजू, एज इट इज नहीं रेंज से निकाल सकते इसको? नहीं, बेसिकली जहां एक्चुअली मैं इसका रेंज निकाल के फिर इसका रेंज निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा वो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि जहां पे ये वन आ रहा है एक इसका मैक्सिमम आ रहा है वहां पे इसका मैक्सिमम आएगा क्या? आएगा, लेकिन जब इसका मिनिमम आ रहा है वहां पे इसका मिनिमम आएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस वन। साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो जहां पे ये जीरो आ रहा है वहां पे माइनस वन आएगा क्या? नहीं। तो बेसिकली अगर तो सेम पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम ऑब्टेन होता तो ही हम कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम ये काम नहीं कर सकते, ठीक। तो बेसिकली करना क्या होता है, इसको सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लाना होता है, इसलिए स्क्वायर कंप्लीट करना जरूरी था ताकि ये सारी की सारी चीज जो है साइन एक्स की फॉर्म में आ जाए। अब जैसे ये साइन एक्स की फॉर्म में आ गई, अब ध्यान से देखो हम क्या करें, तो टू इंटू माइनस वन टू वन माइनस वन बाय फोर का स्क्वायर प्लस 47 बाय 16 करेंगे, तो 2 इंटू माइनस वन बाय वन किया तो क्या बन गया? माइनस टू से लेके 2, फिर माइनस वन बाय फोर के माइनस वन बाय फोर दोनों के अंदर हो जाएगा, तो माइनस टू माइनस वन बाय फोर इज माइनस नाइन बाय फोर से लेके 2 माइनस वन बाय फोर इज 7 बाय फोर। अब इसका करना स्केयरिंग, अब स्केयरिंग करने के लिए ध्यान से देखो ये चीज, ये 0 7 बाय फोर माइनस 9 बाय फोर, इसका स्केयरिंग किया तो क्या हो जाएगा? 0 से लेके 49 बाय 16, इसका स्केयरिंग किया तो क्या आ जाएगा? 0 टू लेके 9 बाय 4 का स्केयर होगा तो दैट इज 81 बाय 16, इन दोनों का यूनियन होगा, इन दोनों का यूनियन होकर क्या बन जाएगा? जो बड़े वाला वही आ जाएगा, तो दैट इज 0 से लेके 81 बाय 16, ठीक। तो ये बन जाएगा, ये स्केयर करने के बाद ये पूरी चीज की वैल्यू आ गई 0 से लेके 81 बाय 16, देन प्लस 47 बाय 16 किया तो ये दोनों में ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया मेरा 47 बाय 16 से लेके 81 प्लस 47, एक तो 81 प्लस 47 क्या जाएगा? 80 प्लस 48 दैट इज 128 बाय 16, ठीक। तो ये चार पे कट के कितना आ जाएगा? चार या चार दूनी चार पे कट के आ जाएगा चार, चार पे कटेगा तो ये आ जाएगा 8, ठीक। तो ये आ जाएगा 47 बाय 16 से लेके 8, तो ये आएगा इसका। तो ध्यान से देखो क्या किया, मेन चीज थी स्केयरिंग कंप्लीट करना, बेसिकली एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्मूला ना जहाँ से हम आगे जा सकते हैं, क्या? क्योंकि यहाँ पे दो दो वेरिएबल है, साइन स्क्वायर एक्स अलग वेरिएबल है, साइन एक्स अलग वेरिएबल है, जैसे दो दो अलग अलग वेरिएबल होते हैं तो इनका हम नहीं निकाल सकते, इनको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, इसका स्क्वायर कंप्लीट करके इसको साइन एक्स की फॉर्म में लाने की कोशिश की। अब इसका निकालना बहुत ईजी है क्योंकि इसकी वैल्यू दे रही है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 1 बाय 4 करेंगे, फिर स्केयरिंग करेंगे, फिर 47 बाय 16 जो है ये ऐड करेंगे। आई होप ये चीज क्लियर। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। चिराग क्लियर हुआ? यस सर। ठीक ठीक ठीक। शुभम, राजवीर? यस सर। क्लियर है सर। ठीक, सेकंड एग्जांपल देखो, 3y इज इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर x माइनस 5, ठीक, 3 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 5। अब इस चीज का करना है, ठीक। तो इस चीज का करने के लिए हमने क्या किया, ठीक, तो सबसे पहले देखा ई की पावर एक्स का आउटपुट होता है वो होता है 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 5, तो ये जाएगा आपका 3 इंटू 0 करूंगा तब भी 0 रहेगा, इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी वो, तो ये 0 टू इन्फिनिटी था, फिर माइनस 5, माइनस 5 दोनों में ऐड होगा, ठीक, तो 0 माइनस 5 इज माइनस 5 एंड इन्फिनिटी माइनस 5 इज इन्फिनिटी, तो ये आ जाए, तो कहने का मतलब दिस इज दिस बिलोंग्स टू दिस, दैट इज माइनस 5 टू इन्फिनिटी। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? ठीक, अच्छा, देन देखो थर्ड, दैट इज 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। हाँ जी बोलो, किसी को कोई डाउट है? सर, इसका जैसे हमने स्क्वायर स्क्वायर का हमने बिहेवियर देखा तो क्यूब का कैसे होगा?
स्क्वायर का तो देखो ऐसा होता है ना कि नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन क्यूब का क्या होता है, नेगेटिव वाला पार्ट नेगेटिव रहता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो इंटरवल का छोटा वाला पार्ट है उसका क्यूब कर देंगे, बड़ा बड़ा वाला पार्ट है उसका क्यूब कर देंगे, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, डज नॉट। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज है, इसको मैं बाद में कराता हूँ एग्जाम्पल को। मान लो ऐसा है क्वेश्चन कि 2 sin x - 1 का क्यूब + 1, मान लो ये क्वेश्चन। ठीक, तो क्या किया मैंने, माइनस वन टू वन को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस वन का, फिर क्यूब एन प्लस वन। ठीक, ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू से टू, फिर माइनस वन किया तो ये बन जाएगा माइनस थ्री से लेके वन, फिर इसका करना क्यूब। तो इसका क्यूब करना है तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव कर लो, तो बेसिकली छोटे वाले पॉइंट का क्यूब करो तो -27 एंड बड़े वाले का क्यूब किया तो 1, ये बन जाएगा। फिर इसके अंदर प्लस 1 करना, ये बन जाएगा हमारा -26 से लेके, तो देख क्लियर हुआ, क्यूब के अंदर एज इट इज रहेगा क्योंकि नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव होता है, लेकिन स्क्वायर के अंदर उल्टा होता है, नेगेटिव का स्क्वायर एंड पॉजिटिव का स्क्वायर दोनों का पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव का स्क्वायर अलग अलग करके दोनों का यूनियन किया, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव का नेगेटिव रखेंगे पॉजिटिव का पॉजिटिव। हाँ जी, स्तुति, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक 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 है, अब आगे देखो। तो एग्जाम्पल था हमारा y = 4x² + 5 / x² + 7। एक 4x² + 5 / x² + 7। अब यहाँ से देखो, इसको हमने क्या किया, 4x² + 5 / x² + 7 के अंदर मैंने किया ऊपर +28 - 28, तो ये बन गया 4x² + 28, और ये 28 - 28 5 के साथ मिल गया तो ये बन गया -23, एंड नीचे x² + 7 अलग कर दिया, तो ये इसका 4 कॉमन आया, तो 4 को बना के क्या बना, x² + 7 / x² + 7 - 23 / x² + 7, तो ये कट गया, तो ये बन गया 4 - 23 / x² + 7। ठीक, तो y = ठीक, तो ये चीज बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अब इसका रेंज निकालना बहुत ईजी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले x² + 7 डिनोमिनेटर का रेंज निकालो। x² क्या होता है, ठीक, x² बिलोंग्स टू क्या होता है, 0 to infinity। ठीक, फिर x² + 7 किया तो दैट विल बिलोंग टू 7, दोनों में ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 7 to infinity। ठीक, फिर इसका रेसिप्रोकल करना है 1/, इसका रेसिप्रोकल करना है, तो अब ध्यान से देखना इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 0, 1, 7, तो 7 से लेके इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, 1/7 से लेके 0 की तरफ जाएगा, दैट इज इसका रेसिप्रोकल जाएगा 1/x² + 7 जो है दैट विल बिलोंग टू 0 से लेके 1/7। ठीक, तो ये आगे 0 से लेके 1/7, तो ये चीज मिल गई हमें, ये चीज, फिर इसको -23 से मल्टीप्लाई करना। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करना -23, -23 × 1/x² + 7 दैट विल बिलोंग टू -23 × 0 से लेके 1/7, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर -23/7 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा नेगेटिव। फिर हमने करना है +4, तो +4 करके क्या बना हमारा, दैट इज इसके अंदर +4 कर दिया, तो +4 करके नीचे वाले में भी +4 हो जाएगा, बड़े वाले में भी +4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4 - 23/7 से लेके 4, तो 7 × 4 = 28, 28 - 23 दैट इज 5, तो ये बन जाएगा मेरा 5/7 से लेके, तो फाइनल जो आउटपुट आया मेरा दैट इज 4x² + 5 / x² + 7 दैट विल बिलोंग टू 5/7 से लेके 5/7 से लेके 4। ठीक, 5/7 से लेके 4। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी, कोई डाउट है तो प्लीज बताइए इसमें। कोई डाउट नहीं, समझ आया क्या किया? ठीक, बेसिकली ऊपर नीचे दो अलग अलग वेरिएबल थे, मतलब थे सेम वेरिएबल, लेकिन इसको हमने एक ही यूनिट में करने की कोशिश की, तो इन वे ये बन गया हमारा ये।
ठीक, फिर इसके अंदर हमने एक्स स्क्वायर निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 7 किया, फिर उसका रेसिप्रोकल किया, फिर माइनस 23 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड करके 4 ऐड किया। ठीक, इस तरीके से फाइनल हम अपने फाइनल आंसर पर पहुंचे। हां जी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर एक बार बता दो कि माइनस 23। अच्छा नहीं, ठीक। हां जी, कुछ नहीं सर। हां, स्तुति बोलो। अगर ऊपर क्वाड्रेटिक हो और नीचे सिर्फ x स्क्वायर प्लस कोई भी एक, नहीं नहीं, उसका मेथड अलग होता है, उसका मेथड अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, आगे आएगा वो मेथड, डोंट वरी। ठीक है, बेसिकली क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ठीक, इन जनरल अगर जैसे क्या हुआ था, देखो क्या हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, क्या हुआ कि ऊपर वाली जो क्वाड्रेटिक थी, ठीक, वो मैनिपुलेट करके मैं उसको टोटली एलिमिनेट कर सकता था, राइट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब कई क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, तो जिसमें नहीं हो सकती उस केस में क्या करेंगे वो अभी आगे में चलाएगा। तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो गया, इनका कैसे निकालना है, या लीनियर बाय लीनियर हो गया, वो भी आगे आएगा। ठीक है, इनका अभी करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो देखो सबसे पहला क्या था, बेसिक मैनिपुलेशन। तो ये मेथड्स हम देख रहे थे, तो मेथड्स के अंदर फर्स्ट मेथड आया था मैनिपुलेशन। ठीक, तो मैनिपुलेशन अभी हमने बेसिक मैनिपुलेशन करनी सीख ली, अब आ रहा मेथड। ठीक, मेथड टू ध्यान से समझना, बहुत अच्छा मेथड है, रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक, रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक, तो y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये कॉम्पोजिट फंक्शन। तो पता क्या करेंगे हम चेक करेंगे कि जी ऑफ एक्स का आउटपुट क्या आ रहा है, फिर वो जब एफ ऑफ एक्स के अंदर इनपुट जा रहा है तो एफ ओफ एक्स का आउटपुट क्या आएगा, स्टेप बाय स्टेप, ये हमें ऐसी तरीके से करना है। ठीक, क्या कि जी ऑफ एक्स का रेंज क्या आ रहा है, वो रेंज जब वो आउटपुट जो है वो जब एफ ओफ एक्स के अंदर इनपुट जाएगा तो वो इनपुट जो है उस इनपुट पे आउटपुट क्या आएगा वो चीज हमें। ठीक, तो ध्यान से देखना, जैसे ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वाई को। ठीक, एक काम करो, ट्राई करो जरा, एक इस पूरी चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है इसका आउटपुट होता है 0 से लेके 1। तो बेसिकली साइन के अंदर इनपुट जा रहा है, ठीक, साइन के अंदर इनपुट जा रहा है 0 से लेके 1, इस तरीके से। नाउ आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ है, ये होता है पाई बाय टू, पाई बाय टू कितना होता है 1.57 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, तो 1 यहाँ कहीं आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, इनपुट क्या जा रहा है, इनपुट जा रहा है ये 0 से लेके ये सारा का सारा 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 1 ओपन ब्रैकेट, तो ये आउटपुट क्या आएगा, ये सारा का सारा 1 तक आउटपुट आएगा ऐसे करके, ये सारा का सारा। ठीक, और फाइनल आउटपुट क्या आएगा, जो 1 पे आउटपुट आएगा, 1 पे आउटपुट क्या आएगा, साइन 1, और 1 पे ओपन ब्रैकेट है इसलिए साइन 1 ओपन रहेगा। ठीक, एंड 0 पे क्लोज है तो इसलिए क्लोज रहेगा, इसका फाइनल आउटपुट आएगा 0 से लेके साइन 1 ओपन, ये हमारा फाइनल आउटपुट। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक, अच्छा फिर ये चीज बताओ, अगर ये चीज क्लियर है, दिया क्लियर हुआ आपको स्तुति? यस सर। सर एक बार फिर से समझा दो। आदित्य कौन सा वाला पार्ट, मेरे को बता। यही है, ब्रैकेट्स वाला ही। अभी देख, बेसिकली 0 टू 1 ये पता ना, 0 क्लोज ब्रैकेट 1 ओपन ब्रैकेट, ये जाएगा इनपुट साइन के अंदर। आदित्य माइक ऑन रख। सर ये 1 पे कैसे ओपन? ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का आउटपुट होता है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का आउटपुट बता रहा हूं। हां ठीक है, हां ओके, ठीक है ना, उसको दिया साइन के अंदर, तो ये 0 क्लोज एंड 1 ओपन। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। हां जी, हां ठीक 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 है। अच्छा, तो हां, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इस केस में, बिल्कुल इस केस में मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पे ओपन है, तो ओपन ब्रैकेट के अंदर वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अगर ये चीज क्लियर हो गई तो इसका बताओ क्या जाएगा फिर, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ऑफ एक्स। अब इसका बताओ जल्दी से, मतलब तो 0 से लेके 1 जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो बेसिकली क्या चीज होगी, देखो 0 से लेके π/2 एंड π/2 से लेके 2 ऐसा इनपुट जाएगा। ठीक, इनपुट क्या जाएगा, 0 से लेके π/2 एंड π/2 से लेके 2 इनपुट जाएगा। अब जैसे 0 से लेके π/2 वैल्यू जा रही है, तो साइन का आउटपुट क्या आ रहा है, 0 से लेके 1 एंड देन 1 से फिर डिक्रीज होकर जाएगा साइन 2, तो ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, वो दैट इज 0 से 1।
इस तरीके से, समझ आया चीज। अगेन सबसे पहले क्या आउटपुट आएगा तुम्हारा, जीरो से लेके ये वैल्यू बढ़ते 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 वन तक जाएगी, फिर वन से कम होते 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 साइन वन तक जाएगी, ठीक। तो बेसिकली दिस एंड देन दिस, अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो वो आएगा जीरो से लेके वन, दैट इज वाई जीरो से लेके वन। हाँ जी, जिनका नहीं हुआ था क्लियर हुआ? या फिर हम ये भी कह सकते हैं ना, बिकॉज टू पे ओपन ब्रैकेट है तो जो भी वैल्यू आएगी उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो वन में ही आएगा। नहीं नहीं, मतलब अंडर वन ही आएगा। तो इस वजह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली। आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझने की दोबारा कोशिश करो। ये क्या हो रहा है कि जब मैंने इनपुट दिया पाई बाय टू तक, ठीक, तो मेरा आउटपुट जीरो से लेके वन सारे के सारे कवर अप हो गए, ठीक। तो ये जीरो से वन आउटपुट आ गया, ठीक, बहुत क्लोज। लेकिन जब मैंने इनपुट दिया ये पाई बाय टू से इंक्रीज करके टू तक गया मैं, राइट, तो मेरा आउटपुट जो है वो क्या जाएगा, फिर ये आउटपुट डिक्रीज होगा। आउटपुट डिक्रीज होकर कहां तक जाएगा, ये आउटपुट आएगा, दैट इज साइन टू इज द मिनिमम वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू इज वन, बेसिकली ये आउटपुट आएगा। अब इन दोनों का यूनियन करना, ध्यान से देखो, इसका एंड इसका यूनियन करना, इसका और इसका यूनियन जब करूंगा, व्हाट इज दीज टू वैल्यू, ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज को। इसको नंबर लाइन पे बनाऊंगा मैं, वो हो जाएगा जीरो से लेके वन, ठीक, ये वाली वैल्यू। इसको बनाऊंगा नंबर लाइन पे, ये जाएगा साइन टू से लेके वन, साइन टू यहाँ पे कहीं पे आएगा, साइन टू से लेके वन, ये वाली वैल्यू। इस वाली वैल्यू का और इस वाली वैल्यू का यूनियन करूंगा तो वो तो जीरो से लेके वन जाएगा ना, बड़ी वाली वैल्यू। तो ये वाला जो पार्ट है पाई बाय टू से लेके टू वाला का जो आउटपुट आ रहा है वो ऑलरेडी जीरो टू वन में कवर अप हो रहा है, तो इसलिए उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। हाँ जी, किसी को कोई और डाउट? ठीक, क्लियर है ये चीज? ठीक ठीक ठीक। अच्छा, फिर मेरे को ये चीज बताओ कि e की पावर साइन इनवर्स x का आउटपुट क्या है? हाँ जी, देखो जरा, इसका जो आउटपुट है एक वो क्या जाएगा, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, एक, और वो ई की पावर में गया। तो ई की पावर में कहने का मतलब ये है कि ई की पावर फंक्शन होता है ये जीरो पे ऐसा, तो माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू ये इनपुट जा रहा है, तो माइनस पाई बाय टू पे जो आउटपुट आएगा ई का, ये ई की पावर में रखने पे वो क्या आ जाएगा आपका, ई की पावर माइनस पाई बाय टू, एंड पाई बाय टू पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका ई की पावर पाई बाय टू, ये सारे के सारे बीच में सारे के सारे आउटपुट आएंगे। तो e की पावर माइनस पाई बाय टू से लेके e की पावर पाई बाय टू, ये फाइनल देख जाएगा। आई होप क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर हुआ? ठीक, चलो, तो विल स्टॉप द लेक्चर हियर, ठीक, एंड रेंज का थोड़ा सा पार्ट बचा, ज्यादा पार्ट नहीं बचा, एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो, ठीक। एंड इसका जो रेंज का जो बेसिक रेंज अजी आज हमने किया है, इसके रिलेटेड होमवर्क जो है ये मैं आज आपको दूंगा, ठीक है। तो रेंज अभी आपको आज करना है, एंड ठीक, रेंज का कल हम कवर अप करके फिर रेंज एंड डोमेन के जो तुम्हारे जो डाउट्स बचे हैं वो सारे के सारे करेंगे, ठीक है। तो रेंज का कल पहले पार्ट कवर अप करेंगे, जल्दी कवर अप हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर रेंज एंड डोमेन के सारा इकट्ठा करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, डन।